हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी गुजराती डिश खमण की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक गिलास पानी डाला है। इसमें हम डालेंगे नमक और एक चम्मच शक्कर, नींबू का रस। अब इसे एक उबाल आने तक हम पका लेंगे ताकि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हम बड़े बर्तन में डालेंगे, साथ ही में हम डाल देंगे तेल। तेल को हम अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे। जो मैंने नींबू वाला पानी बनाया था, तो एक कटोरी में इसे पलट लेंगे। इसी पानी से हम बैटर रेडी कर लेंगे। पानी को एक ही साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। बैटर को हमें इतना फेंटना है कि इसमें ज़रा भी लम्स ना रहे। बैटर को इस तरह से इतना पतला रखना है। बैटर को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि बैटर अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे लिया है मैंने एक थाली। थाली को हम एक कपड़े से बांध देंगे। एक बड़े से टोप में मैंने पानी लिया है, तो इसके बीच में हम कड़ा डालेंगे। अब हम एक थाली को तेल से ग्रीस कर लेंगे। थाली में हम डाल देंगे बैटर। और इसे टोप के अंदर रख देंगे। अब इसे ढककर 20 मिनट तक पकने देंगे। थाली में कपड़ा मैंने इसलिए बांधा है कि जो भाप बनता है ना, तो बैटर के ऊपर गिरे ना, नहीं तो खमण अच्छे से फूलेगा नहीं। जब तक खमण बन रहा है, तब तक उसका हम तड़का बना लेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे हींग, राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे एक ग्लास पानी। साथ ही में हम डाल देंगे नमक और 2 चम्मच शक्कर। इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे। लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। ये देखिए तड़का बन गया है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे 20 मिनट हो गया है, तो खमण भी बनकर तैयार है।
इसे भी हम टोप में से बाहर निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो गया है तो इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। इसे हम दूसरी थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। जो मैंने तड़का बनाया है तो इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, खमण बनकर रेडी है। तो कितने अच्छे से ये फूल गया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।